हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो डिप्लोमा लेवल के जे एग्ज़ामिनेशंस या गेट, बीटेक लेवल के गेट, आईईएस और उससे रिलेटेड ढेर सारे पीएससी उसको आसानी से क्रैक कर सकें। तो इसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कई कैटेगरी में डिवाइड कर लें, कई सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें, और आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसके सिलेबस को अपने सामने रख करके ये डिवीज़न करें। आफ्टर डूइंग दिस आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जब आप ये एनालिसिस कर रहे हो सिलेबस के साथ साथ, आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको प्रीवियस पुराने सालों के कुछ पेपर मिल जाते हैं तो सोने में सुहागा होगा। आप उससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम, सारा दोनों जो आपका मॉडर्न कम्युनिकेशन और आपका एनालॉग कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ आपके कंट्रोल सिस्टम, इसके साथ साथ आपका EDC, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और साथ ही साथ नेटवर्क सिस्टम, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। और इन सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को आप एक टाइम लिमिट में ख़त्म करें और इसके साथ साथ हर एक टॉपिक को ख़त्म करने के साथ साथ ही आप उसकी प्रॉपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ आप एक बड़ा महत्वपूर्ण काम जो आपको अपनी तैयारी के पहले दिन से करना होगा वो होगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है, वो कितनी देर का वो एग्ज़ाम होता है, उसकी जो परीक्षा होती है कितनी देर चलती है। आप उतने देर अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके बैठ करके एक साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, पहले एक घंटे में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लास्ट के घंटों में उनकी बैठने की प्रैक्टिस और बैठने के साथ साथ कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो आसान आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और वहीं पर वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास कैपेबिलिटी होती है, होते हुए भी वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है लगातार 2.5 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे बैठने की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर आप पहले दिन से काम करेंगे। सिलेबस के साथ साथ आप पुराने साल के पेपरों को इकट्ठा करेंगे, पेपर के साथ आप एक प्रॉपर तैयारी एक सतत वे में आप अपनी तैयारी करेंगे, आप कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करेंगे, जिससे कि आप अपने समय सीमा के अंतर्गत आप अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप जिस तरह का एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप गेट का एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं, तो गेट के एग्ज़ाम में आप न्यूमेरिकल जो गेट लेवल के हैं, जो गेट के प्रीवियस क्वेश्चन से जो आपको डेटा मिलता है, उस डेटा के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, वेरियस बुक्स को प्रेफर करिए, वेरियस कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके साथ साथ आप दूसरे कुछ पहलू हैं जिन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस वक्त डिस्ट्रैक्ट ना हो, जैसे कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से आप ऑलमोस्ट कट हो जाइए, या फिर आप अगर इस्तेमाल भी करिए तो उसे बड़े ही मैनेजमेंट वाले तरीके से कि आपको सिर्फ इतना मिनट देना है, एक दिन में इतना मिनट टाइम देना है सोशल मीडिया पर, आपको बार बार उस पर लॉग इन नहीं करना है, बार बार उसे नहीं देखना है, जिससे कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आपका जो 3 घंटे का जो आपका ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का अमूमन होता है, वो उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आपको सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल कट के रहना होगा। आपको अपने फ्रेंड सर्कल को भी उसी तरह से मैनेज करना होगा, आपको अपने फैमिली लाइफ को भी उसी तरह से मैनेज करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पढ़ाई को देना होगा। क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में एक एक वैकेंसी के लिए हज़ारों कंटेंडर्स होते हैं, उन हज़ारों कंटेंडर्स में से सैकड़ों ऐसे होते हैं जो टफ फाइट देने वाले होते हैं, तो इन
टफ फाइट देने वाले कंटेंडर्स में से आपको जीतना होता है और आपको सीट को सीट पर कब्जा जमाना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको हर 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 संभव प्रयास करना होता है, तब आप इस उद्देश्य में आप इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है एग्ज़ाम के दौरान, टाइम मैनेजमेंट। जो भी आपका जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बिना टाइम मैनेजमेंट के कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी क्वेश्चन से लड़ जाते हैं और लड़ते ही रह जाते हैं, आपका पूरा टाइम उसी में निकल जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लड़ाने के लिए होते हैं, जिससे कि आधे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं में उसी क्वेश्चन से लड़ते रहें, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए जो आपने टाइम तय किया है, निर्धारित किया है, उससे ज़्यादा वक्त किसी को नहीं देंगे, किसी भी क्वेश्चन को उससे ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, और आप उससे उस क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे। अगर बाद में टाइम बचता है तो उसे दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अक्सर इसे लोग भूल जाते हैं और अपने कुछ आसान क्वेश्चन को गंवा बैठते हैं, जिन्हें वो आसानी से कर सकते हैं और मतलब जिन्हें वो गंवा बैठते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैंने पहली बार SSC के थ्रू एक बार प्रसार भारती का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसका एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, टाइम मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं दिया, तैयारी खूब की थी, बहुत ज़्यादा लटके गया था, बहुत प्रिपरेशन की, हर पहलू को टच करके गया, लेकिन वहाँ जाके मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पाया और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। तो उससे मैंने सीखा, उसके बाद मेरे किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह की समस्या नहीं आई। और तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप इस चीज़ से बचें।